हाईकोर्ट परिसर में मनु की प्रतिमा पर दो महिलाओं ने काला रंग फेंका। बधाई, अभिनंदन, जय भीम। बाबा साहेब की मानस पुत्रियों ने मनु का मुंह काला किया। दोनों वीरांगनाओं को सलाम, अभिनंदन, जय फूले, जय भीम। जयपुर हाईकोर्ट के सामने अवैध तरीके से लगी है मनु की मूर्ति। बिल्डिंग प्लान का हिस्सा नहीं थी मनु की मूर्ति, कुछ ब्राह्मण वकीलों ने लगाई थी ये मूर्ति। 2017 में जयपुर में मनुवाद विरोधी सम्मेलन की मांग के बावजूद आरएसएस की जीत थी कि मूर्ति नहीं हटेगी। दो महिलाओं ने आज मनु की इस मूर्ति पर कालिख पोती और ठीक भगत सिंह की तरह वहीं बनी रही। पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है। जयपुर और राजस्थान के फुले अम्बेडकरवादी साथियों और वकीलों से अनुरोध है कि उन बहादुर महिलाओं का साथ दें। बहरहाल, इतिहास तो एक बार फिर से लिखा जा चुका है। बाबा साहेब ने जो 1927 में किया उसे बाबा साहेब की दो मानस पुत्रियों ने 2018 में फिर से कर दिखाया। बाबा साहेब ने 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति का सार्वजनिक दहन कर जाति व्यवस्था के खिलाफ अपने विद्रोह की घोषणा की थी। वे इन धार्मिक स्मृतियों को बीमारियों की जड़ मानते थे। तब से देश भर में हर साल हजारों जगह पर मनुस्मृति जलाई जाती है। राजस्थान का कलंक है ये मूर्ति, सरकार इसे तत्काल हटाए। इस घटनाक्रम के बाद फिर से हाईकोर्ट परिसर में मनुस्मृति और मनु मूर्ति को हटाने का मुद्दा एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। कुछ अरसे पहले भी एक सामाजिक संगठन ने हाईकोर्ट परिसर में लगी मनु की प्रतिमा हटाने के लिए विरोध प्रदर्शन किया था। तब यहां सुरक्षा कर्मी तैनात कर दिए गए थे। 1 जनवरी 2017 में आयोजित मनुवाद विरोधी सम्मेलन में इसकी घोषणा की गई थी, जिसमें ये भी तय हुआ था कि मनुवाद विरोधी अभियान चलाने वाला एक प्रतिनिधिमंडल हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से मुलाकात कर कोर्ट परिसर में लगी मनु की मूर्ति को हटाने के लिए शीघ्र सुनवाई करने की मांग करेगा। अधिवक्ता प्रेम कृष्ण ने मनुस्मृति को शूद्र एवं महिला विरोधी बताते हुए कहा कि ऐसे ग्रंथों के होते हुए समाज से गैर बराबरी की मानसिकता खत्म नहीं हो सकती। इसके लिए एक जन आंदोलन चलाए जाने की आवश्यकता है और इसलिए जन आंदोलन का निर्णय लिया गया था।